विशाल जी कोरियोग्राफर, आज हम आते हैं फिर से दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे कैसे करी जाती है साइड से, देखते हैं। ये है आपकी साइड से। अब हम आज इसको सीखेंगे से ट्विस्ट भी कैसे करा जाता है, जो ब्रेक ब्रेक में करते हैं ना, लाइक दिस। तो चलिए चलते हैं, आज ये सीखते हैं कैसे करी जाती है साइड से, साथ ही साथ उसको ब्रेक में कैसे करा जाता है पूरी बॉडी फॉर्मेशन के साथ। चलते हैं, बिगिन करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले पैरों में गैप करें ताकि लेग्स की आपकी ग्रिप बनी रहे अच्छे से, और पैरों को फिक्स करके रखना है। पैरों को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। हल्के से नीज बैठ जाएंगे इस पोजिशन पर, नीज बैंड होके चलिए। तो ये आपकी पोजिशन, हल्के से नीज बैंड होके आप ऐसे आपको नेक को बैंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। आप पे डिपेंड करता है, आप राइट से निकालिए चाहे तो लेफ्ट से कर सकते हैं। तो ये ऐसे बैंड हुए, ठीक है। और उसके बाद अपने हेड को बैंड करना है। पहला जो आपका फर्स्ट स्टेप आएगा वो आपका हेड है। हेड से पहले आपको पूरा नहीं बैंड होना है, खाली हेड से ही बैंड होना है। तो ये ऐसे बैंड हुए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। सेकेंड पे हमारा जो साइड पोर्शन है इसको बैंड करना है। तो दोबारा से देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होगा और ये सेकेंड होगा, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा हेड, सेकंड हमारा ये अपर पार्ट। वन देन टू, ठीक है। देखिए दोबारा से, ये हमारी फर्स्ट तो पोजीशन हमारी ये है। ये हमारे लेग्स ही पे रहेंगे, लेग्स को नहीं मूवमेंट करना, ना पास करना, ना दूर करना। तो ये हमारा फर्स्ट, देन दिस सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, फर्स्ट सेकंड। चलिए अब जो है ये हो गए हमारे दो पार्ट। फर्स्ट हमारा ये हो गया नेक, और सेकंड हमारा ये हो गया साइड। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है हमारा ये जो साइड होता है ना, इस साइड पर इसको ऐसे बैंड करना है, ठीक है। तो वन देन टू देन थ्री, ये पार्ट जो है हमारा ये पूरा बैंड हो जाएगा, और ये जो साइड्स पर है ये थोड़ा सा बाहर हुआ है। चलिए वन देन टू थ्री, हाँ ये यहाँ पर रुकेगा। दोबारा से देखते हैं, फर्स्ट हमारा स्टेप ये, देन सेकंड ये हो गया, और थर्ड हमारा ये हो गया। यहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर को। चलिए दोबारा देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, देन सेकंड, देन थर्ड। दोबारा देखते हैं, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, वन देन टू देन थ्री, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पे हमारी बैंड हो गई, सेकंड पे ये हो गया, देन थर्ड पे ये हो गया। तो हमारी जैसे हमारा थर्ड पे ये रुकेगा तो हमारी जो हेड है वो स्ट्रेट हो जाएगा, हमारी जो मुंह है वो हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसको नीचे नहीं झुका के रखना, बस फर्स्ट में आपको बैंड करना, उसके बाद सेकंड पे थोड़ा सा ऊपर, देन थर्ड पे बिल्कुल अप। सी वन टू होल्ड, दोबारा देखो, देन वन देन टू देन थ्री होल्ड, वन देन टू देन थ्री देन होल्ड। चलिए ये होता हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब हम सीखते हैं हमें इसे राइट हैंड साइड कैसे करना है। जैसे हमने अब लेफ्ट करा है वैसे ही सेम राइट करना। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा पैरों को बैंड करना, ठीक है। ये आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपको लेफ्ट करना हो चाहे राइट करना हो, आपको नीज को बैंड रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा होता है वन टू थ्री, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब करते हैं इसको राइट साइड कैसे करते हैं। वन देन टू देन थ्री, सी वन टू, सेकंड पे ये बैंड हो गया, थ्री पे ये बैंड हो गया, और हेड हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। चलिए दोबारा वन देन टू देन थ्री, वंस मोर दोबारा देखेंगे स्लोली, वन देन टू देन थ्री। दोबारा देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो अब हम इसको दोनों साइड करके दिखाते हैं, एक बार करेंगे पहले लेफ्ट फिर राइट। तो ये हमारा वन था, ये सेकंड, देन थर्ड। जब आपकी नेक जो स्ट्रेट होगी, आप अब ध्यान से देखेंगे, जो आपकी नेक जो स्ट्रेट होगी थर्ड बार में, उससे हमें स्टेप को कैसे दूसरी तरफ चेंज करना है।
ये फर्स्ट हो गया, देन सेकंड, देन थर्ड, ठीक है। अब जो आपका हेड है इसको डायरेक्टली यहाँ से लेके जाएंगे आप इसको राइट, देन बैक, देन बैक। दोबारा देखिए, वन देन टू देन थ्री, फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी वेव, कैसे हमें राइट करना है, कैसे लेफ्ट करना है, कितने कितने स्टेप्स करना है। तो पहला है आपका ये है, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन आपको क्या लेनी है ये करने के बाद, उसके बाद थ्री स्टेप चलेंगे राइट, थ्री स्टेप लेफ्ट, या थ्री स्टेप लेफ्ट या थ्री स्टेप राइट, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे कर चलना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री, देन वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप। तो अब चलते हैं जो मैं आपको बताता हूँ ट्विस्ट का, कैसे हमें इस वेव को ब्रेक करते हुए चलना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है, जैसे आप सेकंड करेंगे वहीं पे आपको वेट करना, होल्ड करना एकदम, वन होल्ड, टू होल्ड, देन थ्री होल्ड। दोबारा देखिए, वन होल्ड एक सेकंड का, फिर सेकंड होल्ड, दोबारा वन होल्ड, टू होल्ड, थ्री होल्ड। अब इसको करेंगे नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री। अब जब आपका हेड स्ट्रेट हो गया, अब इसको दूसरी तरफ करेंगे, वन होल्ड, टू होल्ड, थ्री होल्ड। हाँ, अब इसको दोबारा से करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे आप, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सीखेंगे, पहले वन देन टू थ्री। दोबारा देखिए, वन टू थ्री, दोबारा देखिए, वन टू थ्री। अब उस साइड देखते हैं, वन टू थ्री, दोबारा देखिए, वन टू थ्री। तो चलो अब दोनों साइड करते हैं, नॉन स्टॉप करेंगे, पहले यहाँ से फिर यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, पहले हम राइट से लेफ्ट करेंगे, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, वन टू थ्री, फिर दूसरी तरफ लेके गए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसमें और अपने नीज को, लेग्स को खोल सकते हैं, जितने लेग्स खोल के उतनी आपको नीज बैंड करने हैं, ऐसे बैंड करने का। अब आप इसको जितना चाहो बॉडी को बैंड कर सकते हो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एकदम से बिल्कुल नहीं नीचे जाके करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, पहले बॉडी को उतना स्ट्रेच करेंगे ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाए, उसके बाद धीरे धीरे स्लो करते हुए आप इसको बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे स्ट्रेच होती चलेगी उतनी उतनी बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा, वो उतनी ही खींच खींच के जैसे आप चाहते हैं वैसे ही अब निकल जाएगी। चलिए एक बार और स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, वन टू थ्री, 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 ठीक है। ये जो थी वेव, ये हो गई आपकी ब्रेक वाली, ब्रेक के साथ कैसे वेव करते हैं, अब करते हैं नॉर्मली वेव कैसे करते हैं, लाइक दिस, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।